मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जो कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बच्चों में 12 साल की आयु के बाद किया जाता है। आज भी प्राचीन परंपराओं के मुताबिक मंदिरों में यज्ञोपवीत संस्कार आयोजित किए जाते हैं। ये जानकारी पंडित प्रकाश चंद शास्त्री ने यज्ञोपवीत संस्कार के दौरान मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं को दी। इससे पहले श्री नैना देवी मंदिर में पुजारी वर्ग के साथ यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया। इस यज्ञोपवीत संस्कार में 2 युवाओं को यज्ञोपवीत धारण करवाया गया, जहां पर युवा शौर्य शर्मा और संस्कृत कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे युवा रिंकू शर्मा को विधिवत रूप से यज्ञोपवीत संस्कार करवाए गए। वहीं पर पंडित प्रकाश चंद शास्त्री ने बताया कि संस्कार के उपरांत ही मनुष्य किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकता है। यदि वह यज्ञोपवीत संस्कार से वंचित है तो वह किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं ले सकता है। प्रकाश शास्त्री ने कहा कि मनुष्य जीवन में जिस तरह से पहले मुंडन संस्कार, उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार, तदुपरांत विवाह संस्कार आयोजित किया जाता है और समय समय के अनुसार ये परंपरा निभाई जाती है। आज भी हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक ये यज्ञोपवीत संस्कार आयोजित किए जाते हैं। इसमें भाग लेने वाले युवाओं को जहां अपना सिर मंडवाना पड़ता है, वहीं वहीं बड़े धार्मिक अनुष्ठान मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ के साथ इन्हें यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है और उसके उपरांत उन्हें गुरु द्वारा कान में गुरु मंत्र दिया जाता है, जिसका पालन उसे ताउम्र करना पड़ता है। यज्ञोपवीत संस्कार का सबसे उत्तम महत्व है। यज्ञोपवीत संस्कार के बिना मनुष्य को किसी भी धार्मिक कार्य करने की अनुमति नहीं है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होगा उसी के उपरांत ही मनुष्य धार्मिक कार्य में किसी भी अनुष्ठान को करने का अधिकारी बनता है। इसीलिए 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार को अग्रणीय माना गया है।